बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी शर्ट की कटिंग नहीं की है, पहले हम नेक बनाएंगे फिर हम साइड वाली कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लैकेट गला जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम ब्लैकेट पट्टी काटेंगे। लेंथ में हम 15 इंच लेंगे, वेद में हम 1 इंच तक पट्टी लेंगे और लेंथ में 15 इंच लेंगे। इस तरह से मेज़र करके हम पट्टी को कटिंग करके दूसरे कपड़े पे अटैच करेंगे। हमने दूसरे कपड़े पे बुकरम अटैच कर दी है। अब हम बॉक्स बनाएंगे, हमें 8 बॉक्स चाहिए। तो इस तरह से पहले हम 1/2 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे, फिर हम 2-2 इंच के बॉक्स बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से 8 बॉक्स बना के फिर हमारा जो पहला बॉक्स है उस पर जितना हम कपड़ा अंदर मार्जिन के लिए छोड़ते हैं उसी तरह उसके बराबर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने ईरानी धागा लिया है, उसको बॉबिन में अंदर इस तरह से फिल करेंगे। अब हम इस पट्टी पे इस तरह से सिलाई करेंगे। हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे जहाँ पे हम लाइन ड्रॉ की है। हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। अब हम आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को सेट करेंगे। हमने इस तरह से पट्टी को सेट कर दिया है आयरन की मदद से। हमारा जो शर्ट का कपड़ा है उस पर हम सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी हमारी पट्टी है उसके हिसाब से। हम थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे। हम सेंटर का निशान करके फिर हमने जो 1 इंच पट्टी ली थी उसका हम आधा करेंगे तो 1/2 इंच बन जाएगा। तो हम 1/2 इंच के फासले पे इस तरह इस राइट साइड हमने ये निशान लगाना है। अब हमने जो दूसरा 1/2 इंच छोड़ के निशान लगाया है उसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे, लेकिन हम इधर से पहले सिलाई करेंगे, इधर वाली साइड सिलाई नहीं करेंगे इस तरह से।
हमने इस तरह से पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर दी है। अब हम इस तरह से टर्न करके हम अंदर कपड़ा करके इस तरह से ऊपर सिलाई करेंगे। ये हमारी पट्टी की जो नोक है उस पर इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। हमने पट्टी लगा दी है। अब हम ऊपर से कॉलर की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम चौड़ाई में 3 इंच लेंगे। फिर हम लंबाई में 4 इंच लेंगे। इस तरह से हम कॉर्नर से निशान लगाएंगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम गोलाई देंगे। हमारी आम नेक जो होती है वो हमारी 7 इंच की होती है, तो इसके लिए हमने कॉलर के लिए 4 इंच का निशान लगाया है। अब हमने 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे पट्टी के बराबर में। इतना हम ऊपर से ओपन करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा के इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने 7 इंच की नेक तैयार कर दी है। पीछे से हमने तुरपाई भी कर दी है। हम कॉलर लगाएंगे तो इस तरह से हमारा जो ये हिस्सा बन गया है कॉलर का, तो हम इतना ही मार्जिन इस तरफ भी छोड़ के हम इधर से कट लगा के ये जो हमारी पट्टी का कपड़ा है वो हम अंदर कर देंगे। और हम मार्जिन जितना इतना ही जितनी हमारी कॉलर आएगी। ही कट करके अंदर कपड़ा कर देंगे। इस तरह से हमने पट्टी लगा के सिलाई कर दी है। अब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से बैक साइड करके और सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर दी है पीछे से। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हम कॉलर की मेजर करेंगे इस तरह से दोनों साइडों को मिला के। 3 इंच हमारी वेद है पीछे वाला गला जो है। नौ इंच हमारी कॉलर आ रही है। हम पहले बुकरम लेंगे। हमारी बुकरम की जो वेद है वो हमारी 4 इंच है और हमारी बुकरम की लंबाई है वो हमारी 15 इंच है। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे। अब हम वेद में 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे चौड़ाई में। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हमारी जो वेज ये इधर से हमारा इस साइड से बुकरम अटैच है, तो इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी बैक साइड की मेज़र हो गई। अब हम सामने वाले गले की मेज़र करेंगे। हमारे सामने वाले गले की लंबाई जो है वो हमारी 4 इंच हमने ली थी, हमने जो नेक की कटिंग की थी। इस तरह से दूसरा बॉक्स बना देंगे। अब हम कॉर्नर से 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इधर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के निशान लगाएंगे। अब हम इसकी गोलाई देंगे। अब हम मेज़र करेंगे। अब हम इस निशान की मेज़र करेंगे। हमारा 9 इंच पे निशान था इस तरह से। हम अब 1/2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब हम दूसरे कपड़े पे अटैच करेंगे। हमने दूसरे कपड़े पे कॉलर अटैच कर दी है। हम हमेशा कॉलर जो बनाते हैं उसकी सिलाई हम इधर से शुरू करते हैं और इधर से ख़त्म करते हैं, लेकिन इसकी सिलाई हम सिर्फ इधर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी साइड हम ओपन रखेंगे। हमने सिलाई कर दी है। अब हम कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा फिर छोटे छोटे कट लगा के कॉलर को सीधा करके आयरन से सेट करेंगे। हमने कॉलर को पलट कर आयरन से सेट कर दिया है। अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि हमें कॉलर अटैच करने में आसानी हो। इस तरह से हम इस तरह से पीछे से सेंटर पे सेंटर मिला के इस तरह से रख के सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से कॉलर अटैच कर दी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसमें हमारी कॉलर की सिलाई आ रही है। हम निशान लगाएंगे इस तरह से। दोनों साइड से निशान लगा के सिलाई करेंगे। अब हम ऊपर वाली सिलाई करेंगे इस तरह से। हमारी कॉलर बन गई है। ये हमारी फाइनल लुक है। अब हम बटन लगाएंगे इस तरह से। हमने जेंट्स बटन लिया है। ये हमारी ट्राउज़र का कपड़ा है, तो हम इसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा गोलाई में कटिंग की है। अब हम हल्का सा फोल्ड करके
इसको सिलाई करेंगे। अब हम हल्का सा खींचेंगे इस तरह से। ये हमारी कटोरी स्टाइल बन गई। अब हम ये जेंट्स बटन जो है हमारा इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इस तरह से खींचेंगे धागे को। ये इस तरह से शेप में आ जाएगा। अब हम टाके लगाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह हम 8 बटन तैयार करेंगे। हमने बटन तैयार कर दिए हैं। अब हम इस तरह से हमारी जो ये खाली जगह है इसके ऊपर इस तरह से 4 बटन इस बॉक्स में लगाएंगे और 4 बटन इस बॉक्स में लगाएंगे इस तरह से। हमारी कॉलर भी लग गई है और हमारे बटन भी लग गए हैं। तो ये हमारी नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's